श्री अकाल तख्त साहिब जी के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आज गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 401वें प्रकाश दिहाड़े मौके संगत नूं वधाई देंदिया सिख संगत नूं गुरु साहिब जी के फलसफे नूं पूरी दुनिया तक पहुंचाउण लई कमर कसे करन दी अपील कीती है। जथेदार ने अमरीका विच रहिंदे थमिंदर सिंह वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नाल कीती गई छेड़छाड़ मामले नूं लै के 3 तरीक नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे एक वड्डा पंथक इकट्ठ सद्या है। उन्होंने जानकारी देंदिया दस्सिया कि SGPC दे मैंबर पिछले 3-4 दिनों तो संप्रदावां दे मुखियां जथेबंदियां नूं घर घर जा के इस इकट्ठ दे लई पत्र दे रहे ने। उन्होंने सारी संपर्दावां जथेबंदियां नूं इस पंथक इकट्ठ विच पहुंचण दी अपील कीती है। जथेदार ने उस दिन इस मामले ते ठोस फैसला लैण दा दावा कीता है। जथेदार ने कहा कि इस गल नूं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कीता जाएगा कि कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नाल छेड़छाड़ करे। और असीं एक हफ्ता पहला ही फिर पंथ दे कुछ चुने हुए नुमाइंदियां दे नाल गल्लबात करके असीं 3 तरीक नूं पंथक इकट्ठ श्री अकाल तख्त साहब के स्थान के उत्ते सद्या। मानयोग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर पिछले 3-4 दिनों तो संप्रदावां के मुखी साहबान नूं जथेबंदियां नूं पत्र भी जिहड़ा है वह घर घर जा के दे रहे ने, कईयां नूं दे दित्ते ने, कईयां नूं मिल जाणगे। और मैं इस मंजी साहब दीवान हाल दे इस खालसा पंथ की स्टेज तो समूह संप्रदावां के मुखी साहबान बैठे ने, तुसी उस इकट्ठ दे विच जरूर आयो। उत्थे आपां डट के जोरदार कठिया होके, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब की ताकत जिहड़ी है इह संप्रदावां जथेबंदियां है। जे इह संप्रदावां जथेबंदियां मजबूत है, श्री अकाल तख्त साहब नाल खड़ियां, श्री अकाल तख्त साहब मजबूत है, और असी उस दिन जिहड़ा है ठोस फैसला जिहड़ा है वह इस मामले के उत्ते लवांगे। जथेदार ने कहा कि थमिंदर सिंह साल 2009 विच अपनी मर्जी दे नाल ही चीन विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप छपवाउंदे ने, जिस ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस खिलाफ 295 का मुकदमा दर्ज करदी है ते ओ हाई कोर्ट विच अपील करदा है कि SGPC कोल कोई कॉपीराइट नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोई किताब नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी संसार भर दे सिखां दे गुरु ने। हुण उस वालों अपनी मर्जी दे नाल ऑफलाइन ते ऑनलाइन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप छापे गए ने, जिथे उसने मर्जी दे नाल बिंदियां लाईयां ने। रागमाला एक अंग खाली छड के बाद विच लिखी है ते उस उपर अंक भी नहीं पाया। जथेदार ने कहा कि जदों यह मामला श्री अकाल तख्त साहिब विखे आया, श्री अकाल तख्त साहिब जी ने सिख पंथ के विद्वानों की कमेटी बना के एक हफ्ते के अंदर उहदे वल्लों लिखे गए पावन स्वरूप नूं देख के रिपोर्ट पेश करन दा आदेश दिता। एक हफ्ते के अंदर सब कमेटी ने इस बारे रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं सौंपी। उस वेले श्री अकाल तख्त साहिब वालों उस व्यक्ति नूं 30 अप्रैल तक अपना काम बंद करके श्री अकाल तख्त साहिब विखे जवाब देने दे आदेश दिते गए कि उसने एक घिनौना कार्ज क्यों अते किसदे कहन ते कीता। पर सोशल मीडिया से श्री अकाल तख्त साहिब जी के नाम कोई चिट्ठी वायरल कर रहा, जिस विच उसने अपना झूठा स्पष्टीकरण देने का यतन किया जो तसलीयोग नहीं है। पर अधिकारित तौर पर उसने श्री अकाल तख्त साहिब विखे अपना स्पष्टीकरण हाले तक नहीं भेजा। उस वेले उस व्यक्ति नूं श्री अकाल तख्त साहिब वालों एक हुक्म भेजा कि 30 अप्रैल तक अपना एक काम तुरंत बंद करके श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते तू जवाब दे कि तू ये घिनौना कार्ज जिहड़ा है वह क्यों किया है और किस दे कहण दे उत्ते किया। अज 21 अप्रैल हो गई है और पता लगे कि सोशल मीडिया के उत्ते तो कोई चिट्ठी जी जी है वह वायरल कर रहा है श्री अकाल तख्त साहब के नाम जी दे विच उसने अपना जिहड़ा है झूठा सच्चा जां स्पष्टीकरण देने का यतन किया जिहड़ा तसली योग नहीं है। लेकिन ऑफिशियली श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते उसने ना आप ते ना उन्हें लिखती तौर के उत्ते कोई ऐसा जिहड़ा है स्पष्टीकरण अपना भेजा। जथेदार ने वड्डा दावा करदिआं कहा कि वैरियां दा अगला निशाना सिखां दी रीढ़ दी हड्डी सिरमौर संस्था SGPC है, सानू इस नूं मजबूत करना चाहिदा है। उन्होंने इस मामले उत्ते पंथ दीआं संप्रदावां जथेबंदियां नूं ध्यान देण लई कहा है। उन्होंने कहा कि अज साढ़े कुछ मसले भारत सरकार कोल पेंडिंग पए ने, जो वादे 1947 वेले सिखां नाल कीते गए सन उन्हां नूं पूरा कीता जावे।
पर सरकार ने उदों दा एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिखां नूं देना तां की सी, बल्कि सिखां कोल जो सी ओह वी सिखां तों खो लिया। जथेदार ने मौजूदा सरकारां नूं नसीहत दिंदिया कहा कि जिहड़ी गलती कांग्रेस सरकार ने सिखां नाल धरोह करके रखी सी, उन्हां गलतियां नूं मौजूदा सरकारां नूं दुरुस्त करना पवेगा। एक होर मानजोग बाबा जी ने इत्थे गल कीती, मैं उस नाल 100% सहमत हां। अज साडी हालत इन्नी पतली हो गई है, पिछे जे कुछ हिंदू संत मिलन वास्ते आए, उन्होंने फोटो खिंचवाई, तो ये मैं उन्होंने कहा कि अपलोड जिहड़ा फोटो जिहड़ी है ना तुसी ना करियो। कहिंदे क्यों? मैं कहा ज्यों ही तुसी फोटो अपलोड करोगे ना तो साढ़े जिहड़े सिर फिरे ने वो आखणगे कि RSS नाल फोटो जिहड़ा वो जथेदार खिंचवा रहा। ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ RSS ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦਾ RSS ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਤਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਲ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮੈਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਸਿੱਖ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਸਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੇਤਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦੂ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਕਰ ਦੂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਾ ਖਾਲਸ TV।